कुछ समय पहले माइक्रोमैक्स ने अपना नया बजट स्मार्टफोन iOne किया था भारत में लॉन्च। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ ही साथ फर्स्ट इंप्रेशन दिखाएं। आपकी इच्छा सराखों पे। पेश है माइक्रोमैक्स iOne का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप। और इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं माइक्रोमैक्स iOne का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो आपको बेल का आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे कि हमने कौन सा नया वीडियो डाला है। तो ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे रुख करते हैं अनबॉक्सिंग की ओर। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोमैक्स iOne की अनबॉक्सिंग वीडियो। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बता दें इस डिवाइस का दाम है 4,999 रुपए। तो देख सकते हैं लाल कलर का अच्छा सा बॉक्स बनाया है लोगों ने। खोल के देख लेते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। बाद में इसके स्पेक्स के बारे में अलग से बात करेंगे क्या क्या इसमें चीजें हैं। सो दिस इज इट। सबसे पहले डिवाइस आ गया आपका, इसको साइड में रख लेते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है 4,999 रुपए में हमें। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका माइक्रो यूएसबी केबल, ये यहाँ रख लेते हैं। आपको एक अडाप्टर मिल रहा है और जिसमें नोटिफिकेशन लाइट भी है, जब ये चार्ज हो रहा होगा तो लाइट जल्दी चलेगी, पर ये फास्ट चार्जर नहीं है। और आपको इस फोन में मिल रही है एक रिमूवेबल बैटरी, यानी कि इससे पता लगता है कि इस फोन का जो बैक कवर है आप उसको हटा सकते हैं। और बैटरी की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2200 mAh। उसके अलावा डिवाइस में आपको यूजुअल वारंटी कार्ड मिल रहा है और साथ ही साथ एक स्क्रीन गार्ड मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका ये प्लास्टिक कवर हटा के देख लेते हैं। ये हटा लेते हैं प्लास्टिक कवर। सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी कि मेरे हाथ लगते इसमें फिंगरप्रिंट मैग्नेट बन गया। ये ऑलमोस्ट एकदम नया फोन है और फिंगरप्रिंट काफी ले रहा है, यानी कि इसमें आपको कवर लगाना पड़ेगा वरना जब देखो इस पर आपको फिंगरप्रिंट के निशान दिखते रहेंगे। और अगर देखिए बैक पैनल में आपके पास मिल रहा है रेयर कैमरा सेटअप। यह है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ में एलईडी लाइट, साथ में iOne माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग और साथ में है आपका स्पीकर का यहाँ पर ग्रिल दिया गया है। टॉप पैनल में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ आपको 3.5 mm जैक मिल रहा है। साइड पैनल में आपको मिल रहा है वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन बटन। तो अब इधर ये नॉच दिया हुआ है, ग्रुप टाइप का दिया जाए, इसमें आपको खोल सकते हैं और ट्राई कर लेते हैं। तो दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो नैनो सिम की जगह मिली, सिम वन यहाँ लगेगा, सिम टू यहाँ लगेगा और माइक्रो एसडी कार्ड जो 128 GB तक का कार्ड ले सकता है उसका भी आपका डेडिकेटेड स्लॉट है। तो अब अगर इसमें बैटरी लगा लेते हैं, बैटरी जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको इसमें जो बैटरी है वो 2200 mAh की है। डिस्प्ले इसमें है 5.45 इंच का डिस्प्ले है और ये HD प्लस डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन के मामले में ये है 540x1132 pixel। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में कोई अनोखापन नहीं है, ये ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराने वाले डिवाइसेस का लुक एंड फील नजर आ रहा है, कोई नयापन नहीं है डिवाइस में एक डिजाइन लैंग्वेज में। सो अगर फोन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा और एक सेंसर और ये नॉच डिजाइन दिया गया हुआ है इसमें आपको। ओवरऑल फिलहाल तो 5,000 का फोन है, स्मूथ लग रहा है अभी तो, क्योंकि अभी कोई यूज नहीं किया, अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग की है इस फोन की, अभी तक ने यूज नहीं किया क्योंकि इस फोन में एक नया प्रोसेसर है UniSOC का SC9863 प्रोसेसर, नया प्रोसेसर है। हमने किसी भी फोन में पहले इस फोन को इस प्रोसेसर को यूज नहीं किया है, तो इस प्रोसेसर की क्या क्या कैपेबिलिटीज है, अच्छा है बुरा है हमें नहीं मालूम, मल्टीटास्किंग कितनी अच्छे से करता है। लेकिन बस बहरहाल बात तो यही है कि 5,000 का फोन है तो आप इससे ज्यादा कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आ रहा है, मतलब अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे देखें कि 5,000 का प्राइस पॉइंट है, डिस्प्ले अच्छा लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, अमेजिंग नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। नॉच है, नॉच इस टाइप के नॉच आजकल थोड़े दिखने बंद हो गए तो अपना अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक बार हम ऐसा कर लेते हैं, हम चले जाते हैं इसकी सेटिंग्स में और सेटिंग्स में देख लेते हैं कि हम इस नॉच को बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। राइट, नॉच को ऑप्शन मिल रहा है, डिफॉल्ट में नॉच ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक कर ले हाइड नॉच देगा तो आप देख सकते हैं ऊपर की
अगर मैं हाइड ऑप्शन कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन में जाती है तो आपका डिस्प्ले एरिया थोड़ा कम हो जाता है लेकिन नॉच बंद हो जाता है। फिलहाल हम इसके नॉच को बंद ही रखते हैं। अगर इस फोन के रैम और रोम की बात करें, इस फोन में 2 GB की रैम है और 16 GB का इंटरनल मेमोरी है, जिसे आप चाहे तो माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में इसमें एंड्रॉयड 9 है और इस फोन में कुछ जेस्चर सपोर्ट भी दिए हैं, स्वाइप अप और होम स्क्रीन बटन। तो बेसिकली अगर आप इसको एक्टिवेट कर दें तो आप ऐसे करेंगे तो आपका होम स्क्रीन आ जाएगा, रिसेंट बटन आ जाएंगे और ऐसे करके नेविगेशन कर सकते हैं, यानी जेस्चर सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। पर एक बार आप रुक कर लेते हैं इसके कैमरा की ओर। कैमरा में आपको मिल रहा है वीडियो ऑप्शन, फोटो ऑप्शन, ब्यूटी ऑप्शन, फेस क्यूट ऑप्शन, आई थिंक फेस ब्यूटीफाई का ही दूसरा नाम है, बुके ऑप्शन मिल रहा है और नाइट मोड मिल रहा है आपको। कैमरा कैपेबिलिटी से भी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, बट इन द मीन टाइम हम आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रहे हैं जो हमने इस फोन के कैमरा से खींचे हुए हैं। और अगर UI की बात करें तो UI में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी नीट एंड क्लीन UI रखा हुआ है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें, इस फोन में ना तो आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना तो फेस अनलॉक है। आपको अगर आपको ये फोन अनलॉक करना है आपको ट्रेडिशनल पिन लॉक यूज करना पड़ेगा। तो अब आ गई बारी Micromax iOne के फर्स्ट इंप्रेशन की। तो अगर डिजाइन की बात करें, इस फोन में हमें कुछ अनोखा नहीं लगा, रेगुलर डिजाइन लग रहा है और ऑलमोस्ट जो कुछ 2-2.5 साल पहले मोबाइल फोन आने थे उनके जैसा डिजाइन लग रहा है हमें। सिक्योरिटी के मामले में इस फोन में आपको खाली पिन अनलॉक मिल रहा है ना, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। अगर डिस्प्ले की बात करें, जो डिस्प्ले हमने देखा और खासकर प्राइस को ध्यान में रखें तो डिस्प्ले हमें ठीक लगा, उसमें कोई इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं, अंडर 5000 का फोन आ रहा है। और कैमरा हमें मीडियोकर लगा, जो हमने कुछ शॉट्स अभी लिए थे जो आपको दिखाए भी थे कैमरा के टाइम पे, पहली नजर में हमें इतने इंप्रेसिव शॉट्स नहीं लगे, लेकिन डिटेल में उनको चेक करने की जरूरत है कि डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में ये फोटोज कैसे आते हैं, कैसे दिखते हैं। अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी होगा। तो आप हमें बताइए कि आप इस फोन का रिव्यू देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इस फोन का रिव्यू तो हम इसका रिव्यू करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इस फोन में क्या है दम। तो देखते रहिए द मोबाइल इंडियन और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।